के 24 आवर्स में मतलब वीजा जर्मनी का आ गया, दैट्स वेरी डिफरेंट, वेरी बिग थिंग। हम लोग करीब 5-6 कंसल्टेंट को मिले थे, तो अमृत सर मिल गए तो हमारा टेंशन बिल्कुल चला ही गया था। ही इज वेरी सपोर्टिंग, आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आप की कंसल्टेंट से मिलने जा रहे हो? बहुत ही इजी हो गया, मतलब पता ही नहीं चला कब वीजा आ गया। मुझे तो कोई भी पूछता है कि भाई मेरे बेटे के लिए ये सोच हम लोग बाहर जाने का सोच रहे, तो मैं तो सीधा अमृत पालो विजन का कार्ड ही पकड़ा देती हूँ। ही हैज मेंटर्ड मी सो मच के लाइक ही इज अ लाइक बिग ब्रदर टू मी। हमारे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया था, यहाँ आके तो समझो कि हमारा सब टेंशन ही खत्म हो गया। 24 आवर्स में वीजा आज तक इंडिया में आई डोंट थिंक सो किसी भी स्टूडेंट का आया हो। आई टेल यू नन ऑफ देम हैड द परफेक्ट एंड दिस लेवल ऑफ नॉलेज। यू गो विथ वन डाउट एंड यू क्लियर ऑल द 10 डाउट्स व्हिच आर नॉट इवन देयर इन योर माइंड। कोई भी अगर पूछता है तो मैं बोलती हूँ कि अमृतपाल विजन इज द बेस्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। आज मैं हमारे एक बहुत स्पेशल स्टूडेंट के साथ हूँ, समर स्वामी, जिनका वीज़ा सिर्फ एक दिन में आया है। कल अपॉइंटमेंट थी, आज वापस आए और दूसरे दिन सुबह इनका वीज़ा आ गया था। मतलब 24 आवर्स में वीज़ा आज तक इंडिया में आई डोंट थिंक सो किसी भी स्टूडेंट का आया हो और जो जा रहे हो स्टूडेंट को लेकर। तो आज समर से बात करेंगे हम लोग, कैसे इनका एक्सपीरियंस था अमृतपाल विजन में, कितने लेवल्स कंप्लीट किए हैं जर्मन में, कौन से स्टूडेंट कॉलेज में जा रहे हैं और क्यों अमृतपाल विजन को सेलेक्ट किया। सो ये है इनका सबसे पहले VFS का अपॉइंटमेंट जो है 27th of April का। ये इनका वीज़ा कंफर्मेशन है जो है 29th of April का। मींस 27th को उधर गए, 28th को वापस अहमदाबाद आए मुंबई से और 29th को सुबह जो है वो इनका वीज़ा ग्रांट हो चुका था। तो सर से बात करेंगे, मैम से बात करेंगे, बहुत सारी मीटिंग हुई है और समर से भी हम लोग बात करेंगे। बहुत सुपर एक्साइटेड स्टूडेंट है जर्मनी जाने के लिए। समर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर, कॉन्ग्रेचुलेशन्स मैम। सो समर, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने A1, A2, B1, B2 किया है, कितना टाइम लगा, कौन से लेवल्स आपने अचीव किए, कौन से एग्जाम्स आपने दिए हैं और आपका जो प्रोफाइल था डिप्लोमा वाला वो भी आप थोड़ा बताइए। सो सबसे पहले तो मैंने अपना डिप्लोमा 2021 में कंप्लीट किया, जून 2021 में। देन आई डिसाइडेड टू स्टडी फॉर माय जर्मन लैंग्वेज, सो आई स्टार्टेड माय जर्मन लैंग्वेज अप्रॉक्स इन दिसंबर एंड देन मैंने वहाँ से शुरुआत की A1, A2, B1, B2 एंड देन मेरा मई में टेस्ट ड्राफ्ट का एग्जामिनेशन था जो कवर करता है A1, A2, B1, B2 एंड C1 लेवल तक का। सो इन मे आई गेव माई टेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो इतने लेवल्स कवर करता है एंड आई स्टडी फॉर अप्रॉक्स 4 to 5 hours मंडे टू फ्राइडे एवरी डे। इट वॉज एन इंटेंसिव कोर्स एंड मे में मैंने अपना जो टेस्ट ऑफ का एग्जामिनेशन होता है वो पुणे में दिया। फिर देन वी कॉन्टेक्टेड टू अमृतसर, अमृतसर सजेस्टेड दैट आई शुड गिव माई B2 एग्जामिनेशन अगैन बिकॉज कोर्स वरंट दैट प्रॉमिसिंग। सो मैंने B2 का एग्जामिनेशन बैंगलोर में दिया, दैट वॉज अबाउट इन ऑगस्ट सेप्टेम्बर आई गेस। सो इन ऑगस्ट सेप्टेम्बर आई गेव माई B2 एग्जामिनेशन एंड आफ्टर दैट आई कुडंट क्लियर माई 2 levels, सो आई गेव अगैन माई B2 एग्जामिनेशन 2 modules इन न्यू डेली रिसेंटली। सो एंड अगैन आई एम गोइंग टू गिव माई रिमेनिंग 1 module एग्जामिनेशन इन न्यू डेली अगैन and all this was in a time span of 6 to 7 months I guess. Okay, so he got his visa, he asked me, sir, can I go to Germany without giving my 1 module of B2? So I clearly said no, you have to give even if you have your visa in your hands, because he was not agreeing to, you know, give his B2 once again. But he has given his test off but scored near to B1 or B1 plus. So I told him that if you will give your B2, you will get your visa immediately within 20 or 17 days. Yeah. But this time German consulate has made it very faster. They have given him the visa in just 24 hours. So always go to go till B2 level before you apply for your German student visa, especially if you are going for student kolleg. Because what happens in student kolleg, student give their B1 exam. They get the offer letters for Aufnahmeprüfung and now German consulates and German embassy are now very clever because they know
आफ्टर B1 स्टूडेंट कैन नॉट स्टूडेंट कुडंट क्लियर देयर आउफनामे बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू जर्मनी फॉर गिविंग देयर आउफनामे बट देयर आर ओनली फ्यू सीट्स ओनली 20 सीट्स इन वन स्टूडेंट को लेक बट द ऑफर लेटर्स वॉट दे गेट इज अराउंड 150-180 ऑफर लेटर्स against of 20 seats only. So now German consulate and German embassy assess the student's ability to clear the Aufnahme. So if you have B2 level certificate, then you will definitely get your visa and also you will get it faster if you have given your B1 exam. Yes. Right. So Samarth, tell our students about your experience with Amritpala Vision, how you got your visa, how was your experience with Amritpala Vision? So I'll be completely honest right now. At first, when I decided to go to Germany, my father's friend suggested us that Germany provides, you know, high level education and all that. So we got a reference for Germany, but then we started searching for consultants since we have no idea because German system is totally different from the rest of the world. So we, you know, consulted a lot of people over here. We got a lot of friends over here, but none of them, I tell you, none of them had the perfect and this level of knowledge about German education system, about the German consulate, about German visa preparation and everything as much as Amrit sir has it, because he himself is a German student and he knows every inch, every sector of German visa and German education system. So like he has every knowledge, like you go with one doubt and you clear all the 10 doubts which are not even there in your mind, because he knows that some of the doubts will arise when you get to home after meeting him. So he clears all the concept, all the doubts immediately at that point. Okay, so we'll ask sir aapka Amritpala Vision mein experience kaisa raha? Bahut acha raha experience, aur hum log to kai time se dhoond rahe the consultant koi, par proper koi mil nahi raha tha. To Amritpala sir se mile aur wo hamara kaam matlab bhagwan jaise hame लगे और हमारा काम बहुत आसान कर दिया. थैंक यू सर. सर और जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं जो जर्मनी जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि आपने पूरा 15-16 lakhs का पूरा इन्वेस्टमेंट किया है और स्टूडेंट कोलेज के लिए एप्लीकेशन लास्ट एक साल से आप परेशान हो रहे थे कि कैसे जर्मनी जाए, कैसे जाए, डेट नहीं मिल रहा है, बहुत सारी तकलीफें जो थी आपको दी, तो कैसा अमृतपाला विजन में आपका जो वीज़ा का जो पूरा ये पाथ था, जो पूरा जर्नी था, कितना ईजी था आपके लिए? मतलब बहुत ही इजी हो गया, मतलब पता ही नहीं चला कब वीज़ा आ गया और क्या प्रोसेस हो गया, हमें कुछ पता ही नहीं चला. पहले बहुत टेंशन रहता था कि लड़का क्या करेगा, हम लोग तो सजेस्ट करते भाई कनाडा चला जा, पर वही बोला था मुझे तो जर्मनी जाना है, तो जर्मनी के लिए ना कोई क्लियर विजन मिल रहा था, ना कोई पाथ मिल रहा था, ना कोई कंसल्टेंट मिल रहे थे, तो उनसे प्रॉपर गाइडलाइन मिला और हमने उन्हीं की गाइडलाइन से हम लोग आगे बढ़े और बहुत अच्छी तरह से वीज़ा मिल गया. राइट राइट. मैम को पूछेंगे समर्थ और मैम, मतलब हमेशा बहुत सारे मीटिंग्स हमने किए हैं कि कैसे होगा सर, अभी समर्थ टूट चुका है, डेट्स नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है. मैम कोई बात नहीं, आप आ जाइए अमृतपाला विजन में, आपका जो पूरा काम है वो ट्रांसपेरेंसी से होगा, क्योंकि ये पहले जर्मन लैंग्वेज कहीं और से सीखा है इन्होंने, उसमें इनका जो है एक डेढ़ साल लास्ट ईयर पास आउट है 2021 में, तो अभी ऐसा बोल रहे थे कि अगर लास्ट ईयर मिले होते तो आज ये जर्मनी में होते हैं. तो मैम आपका एक्सपीरियंस अमृतपाला विजन में कैसा था? बहुत, क्योंकि मैं समर्थ के साथ हर जगह पर मैं ही जाती थी. हम लोग करीब 5-6 कंसल्टेंट को मिले थे, वो सब बोल रहे थे कि हो जाएगा, पर उनके पास कोई नॉलेज नहीं था और वो पैसे भी इतने सारे बोल रहे थे कि वो हमारे लेवल, इवन कंसल्टेंसी के इतने पैसे बोल रहे थे कि जो हमारे लेवल के बाहर था, कि इतना सारा कंसल्टिंग का पैसा होता है ऐसे करके. फिर समर्थ ने मुझे एक बार बताया कि मम्मी ये अमृतपाल विजन करके एक एजेंट है जो हमें सीजी रोड पर है, तो हम लोग मिलने जाए. बोला हम चलो मिलते हैं. फिर हम दोनों ही उसको फर्स्ट टाइम मिलने आए थे, मैं और मेरा बेटा समर्थ. और फिर यहाँ आके तो समझो कि हमारा सब टेंशन ही ख़त्म हो गया. सर ने बोला कि आप टेंशन मत करो, आपका बेटा अभी इतना उसका लेवल है कि वो अगले साल तो यहाँ पे होगा ही नहीं, वो जर्मनी चला ही जाएगा, तो आप तो बिल्कुल टेंशन ही मत करो. मतलब अमृत सर मिल गए तो हमारा टेंशन बिल्कुल चला ही गया था. थैंक यू मैम, थैंक यू. क्योंकि जब भी मैं कोई भी स्टूडेंट्स आते हैं या परेशान होता है, वीज़ा नहीं हो रहा है, रिजेक्ट हो गया है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आज अमृतपाल में आ गए हो आप, मीन्स अभी आप जर्मनी जा रहे हो, वो फिक्स है. वो फिक्स है.
आपने मुझे याद है कि आपने ये भी बोला था कि भाई मैं बोल रही थी कि समर टेंशन कर रहा है कि ये लेवल कंप्लीट नहीं होगा उसका, वो जर्मन लैंग्वेज यहाँ पे इतना उसका वो नहीं हो रहा था, तो वो थक गया था कि अभी मेरे को देना नहीं है, मैं जर्मन जाके ही दूंगा ऐसे। फिर मैं वापस अमृत सर के वहाँ लेके आया उसको, मैं बोला ये इतना टेंशन कर रहा है, तो अमृत सर ने उनको खुद बोला कि भाई तू क्यों टेंशन कर रहा है, अगर तेरे को टेंशन खुद ही लेना है तो तू पैसे ही वापस ले जा जो तूने दिए है वो, और टेंशन खुद ही कर, हम लोग को किस लिए तूने हायर किया है, जब हमको हायर किया है तो हम ही टेंशन लेंगे, तू आराम से अपना जो कोर्स है उसकी तैयारी कर बस। राइट, और मैं उन स्टूडेंट्स को स्पेशली ये बोलना चाहूँगा, अगर आप B2 एक मॉड्यूल में नहीं निकल पाते हो, दो मॉड्यूल में नहीं निकल पाते हो, तो कोई टेंशन मत लीजिए, फिर से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से पैसे भरो, एग्ज़ाम क्लियर करके जाओगे, वीज़ा में आपको 100% जो है वो सक्सेस मिलेगा। क्योंकि कितनी बार स्टूडेंट होते हैं B1 क्लियर नहीं होता है, 3 मॉड्यूल्स लगवा देते हैं वीज़ा में, फिर वीज़ा नहीं आता है, B2 क्लियर नहीं होता है, और समर्थ के 3 मॉड्यूल्स क्लियर थे B2 में, और B1 का एक मॉड्यूल बुकिंग हमने कराया था और वीज़ा कवर लेटर में ये लिखा था कि भाई यस ये देने वाले हैं, और प्लस इनके पास टेस्ट ड्राफ्ट का भी रिजल्ट था, तो वीज़ा ऑफिसर ने भी बोला कि ओके यू हैव B2 एंड यू हैव इनफ नॉलेज, डोंट वरी यू विल गेट योर वीज़ा एज सून एज पॉसिबल। सो हमको भी नहीं पता था कि यार इतना जल्दी, क्योंकि जब भी मैं जर्मनी गया था मेरा वीज़ा भी आई थिंक सो 35-40 डेज में आया था उस टाइम पे, आज से 12 साल पहले 2010 में, बट एक दिन में वीज़ा आना मतलब ये हमारे लिए, हमारी पूरी कंसल्टिंग कंपनी के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत एक अच्छा माइलस्टोन है कि 24 आवर्स में मतलब वीज़ा जर्मनी का आ गया, दैट्स वेरी डिफरेंट, वेरी बिग थिंग। सो सर ये 24 आवर्स में जो वीज़ा एक दिन में जो आया है, आपको क्या लग रहा था कि मैंने आपको क्यों ऑफिस बुलाया, और आपका पूरा मतलब उस दिन कैसा था आपको? हमारे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया था, आपका फ़ोन आया था बोले कुछ आइए ऑफिस पे थोड़ा काम है, मैं तो समझा कुछ हो गया तो जैसे हम लोग आए ऑफिस में और एकदम से वो पटाखे और वो सब हुए, हम लोग तो पूरे सरप्राइज ही हो गए, और मतलब कुछ बात करते जैसा हम भी इतने सरप्राइज हो गए, क्योंकि मुझे याद है मुझे समर्थ ने ऐसा बोला था सर हमारा जो भी वीज़ा आएगा आप घर पे आना, मैं बोला डेफिनेटली घर पे आऊँगा, बट उस दिन भूल ही गए कि यार पूरी टीम इतनी खुश थी कि भाई 24 आवर्स मतलब, तो हम लोग भी भूल गए, नहीं तो मेरे को डेफिनेटली इसके घर पे आना था। We have consulted him so much. He has mentored me so much. Ke, like he is a like big brother to me. And he is very supporting. आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आप कि consultant से मिलने जा रहे हो. And आपको हमेशा time देंगे. आपको हमेशा like doesn't matter 1 hour, 2 hour. आपकी जब तक problem, आपकी जब तक not even you know technical problems. आपके visa file के related भी problems नहीं. आपको कोई भी mental problem भी हो, शायद आपको tension हो गया हो, कि anxiety हो गई हो. Because मुझे exam anxiety का बहुत बड़ा problem है. और मैं ये नहीं चाहता था कि ये और टाइम वेस्ट करे, और मैं चाहता था कि इनका जल्दी से जल्दी वीज़ा है। अभी इनका जो इनटेक है ये तो सितंबर में इनका स्टूडेंट कॉलेज चालू होने वाला, फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से इनका स्टूडेंट कॉलेज चालू होता है, तो भी इनका वीज़ा जो है वो अप्रैल में आ चुका था, तो इतना हम लोग जो है वो एडवांस में काम करते हैं, इतना एडवांस में वीज़ा प्रोसेस कर देते हैं। अभी कितने लोग तो स्टूडेंट्स जो है वो वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के लिए ही बहुत उनको दिक्कत है, बट 6 महीने बाद आई थिंक सो इनका कोर्स चालू हो रहा है अक्टूबर में, इनके हाथ में अभी वीज़ा है, कोई टेंशन नहीं, मस्त 4 महीने 5 महीने घूमेगा आराम से ऐश करेगा। सो आप अगर जर्मनी जाने का सोच रहे हो तो प्लीज़ उसको एडवांस में करिए, सब चीज़ें आपकी एडवांस होनी चाहिए, क्लियर पाथ होना चाहिए, क्लियर मेंटरशिप होनी चाहिए, सो दैट आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि जर्मनी में जो सुई चलती है ना वो बहुत जल्दी चलती है, कब A1 A2 B1, वीज़ा का डेट आ गया, ऑफ़र लेटर नहीं आया, कितनी बार ऐसा होता है कि वीज़ा अपॉइंटमेंट है ऑफ़र लेटर नहीं है, कभी ऑफ़र लेटर है तो वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं है, तो सब चीज़ें आपको अलाइन करके चलना है, सब चीज़ों को एक साथ में रख के चलना है, अदरवाइज़ आपके पास जर्मन लैंग्वेज सब कुछ C1 तक है स्टूडेंट्स के पास, मैंने देखा हुआ है, बट उनके पास वीजा अपॉइंटमेंट नहीं है, C1 है ऑफर लेटर है वीजा अपॉइंटमेंट नहीं है, या तो C1 नहीं है सब कुछ है बट उनके पास जो ऑफर लेटर आने के लिए जो टाइम होता है, वीजा आज है कल ऑफर लेटर आ रहा है तो वीजा डेट फिर से चले गई, तो एवरीथिंग शुड बी अलाइन सो दैट आपका टाइम जो है वो बिल्कुल वेस्ट ना हो। सो सर आप उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को क्या बोलना चाहते हैं जो जर्मनी जाना चाहते हैं?
मैं तो बोलता हूँ कि भाई आप इनका कांटेक्ट कीजिए अमृतपाल विजन का, बस बाकी छोड़ दीजिए उनके ऊपर, आपका लड़का या लड़की जो भी है वो पहुंच जाएगा जर्मनी और अच्छे से मतलब वो गाइड भी करेंगे। नॉट ओनली जर्मनी, आपके वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में जाना हो, या ही हैज एवरी नॉलेज, आपको कोई भी रास्ते से पहुंचा देंगे, मगर लीगल रास्ते से और बहुत ही परफेक्ट रास्ते से, बहुत ही स्मूथली आपको समझाएंगे। या कभी भी गलत काम नहीं, नो ग्रीड, नो लाइक कोई भी गलत रास्ते से पहुंचाएंगे आपको कि भाई सिर्फ तू पहुंच जा। सो ही इज़ वेरी सेफ टू वर्क विथ एंड ही इज़ वेरी यू नो सपोर्टिव एट टाइम्स, कि अगर आपका नहीं हो पाएगा तो क्यों नहीं हो पाएगा, और हो पाएगा तो आपको क्या क्या करना है टू मेक दैट थिंग वर्क। सो ही इज़ टोटली वर्थ इट। और मैम आप क्या बोलना चाहोगे? मैं तो यही बोली, मुझे तो कोई भी पूछता है कि भाई मेरे बेटे के लिए ये सोच हम लोग बाहर जाने का सोच रहे, तो मैं तो सीधा अमृतपाल विजन का कार्ड ही पकड़ा देती हूँ, क्योंकि भाई ये कंसल्टेंट है, आप चाहे कनाडा जाना हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाना हो, कहीं पे जाना हो, पर इनका एकदम विज़न क्लियर है और बहुत अच्छे से नॉलेज है उनके पास, तो जर्मनी के लिए तो बेस्ट है ही, पर और सब देशों में भी मैंने देखा है उनका इंटरव्यू, और मैं तो घर पे भी देखती रहती हूँ इनका पूरा वीडियो यूट्यूब पे, मैं और मेरा बेटा यही करते हैं कि घर पे देखते रहते हैं, और कोई भी अगर पूछता है तो मैं बोलती हूँ कि अमृतपाल विजन इज द बेस्ट। थैंक यू मैम। आपकी वीडियो आपने कितनी बार देखी पुरानी वाली? गिना नहीं है मगर बहुत बार देखी है। टीवी में बड़ी स्क्रीन पे मतलब 3-4 बार तो मैंने ऐसे ही देख ली, दिन में देख लेती हूँ। ठीक है ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो स्पेशली स्टूडेंट कोलेग के लिए, देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अमृतपाल विजन। कौन से स्टूडेंट कोलेग है, कहाँ पे B1 चाहिए, क्या B2 है, कितना टाइम लगेगा, कितनी देर में आपको A1, A2, B1, B2 फिनिश करना है, कैसे अलाइनमेंट करना है, वीजा डेट, ऑफर लेटर्स और आपके जर्मन लैंग्वेज को, सो वी हैव ऑल द सॉल्यूशंस फॉर योर एडमिशन इन जर्मनी। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू जर्मनी, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अमृतपाल। माई नेम इज़ अमृतपाल एंड आई एम गोइंग टू अ वर्ल्ड टूर वेयर आई विल बी कवरिंग मोर देन 100+ यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ऑन 13th ऑफ मे आई एम ट्रैवलिंग to United States, then I will be going to Canada, UK, Scotland, then Germany, Poland, Australia and New Zealand. So I will meet all my students who are studying in these countries, and also I will show you how their day-to-day life, they are managing their day-to-day life in all these countries. So see you soon, subscribe my YouTube channel and follow me on Instagram. Thank you, see you, bye-bye. Hello friends, my name is Samad Swami. And I recently got my German student visa in just 24 hours with the help of Amrit sir and his team. I strongly recommend you, if you want to travel to any country for educational purposes, you can feel free to contact Amrit sir. He will guide you through all the process and see you soon in Germany.